खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच और सचिव की मिलीभगत कई बार सामने आती रही है। इसमें शासन की योजनाओं की राशि का जमकर दुरुपयोग होने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसका पता तब चला जब कसरावा जनपद के ग्राम पंचायत सहायता के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। सहायता ग्राम पंचायत में योजनाएं केवल कागजों पर ही सवार है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर को शिकायत कर ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की मनमानी चरम पर है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी उजागर होती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रोजगार गारंटी पर काम कर रहे, हमारा पैसा नहीं डली रहे हैं। क्या शिकायत, क्या शिकायत भी कर दी? शिकायत क्या है? पूरा गांव पंचायत पंचायत में भी कर दी, कसरावत भी कर दी। तो क्या काम किया था आपने मनरेगा में? रोजगार गारंटी, पैसा नहीं मिला? नहीं मिले। कितने रोज काम किया आपने? हमने एक महीने 90 दिन पूरा काम किया। पैसे कितने मिले अभी तक? 1100 रुपए। अब कितने बाकी हैं अभी आप लोग? बाकी 6 पैसा, हम 4-5 मनुष्य गए थे तो एक मनुष्य का पैसा डल जाता खाली। और इसके अलावा क्या क्या शिकायत है? इस शासन की योजना का जल्द आपको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा गाँव वालों को? क्या नाम है आपका? बोहनी भाई। कहाँ रहते हो? सहायता पंचायत में जो तालाब निर्माण और सीसी रोड सालिवान रोड का काम चल रहा था, वहाँ पर इन मजदूरों ने काम किया तो उनको आज तक पेमेंट नहीं मिला है। हम ये चाहते हैं कि जो काम मजदूरी करने नहीं गए हैं उनका पेमेंट डला, जो मजदूर है उनका पेमेंट नहीं डला, और काम में मतलब जितना मूल्यांकन होना चाहिए उतना मूल्यांकन नहीं हुआ। सिर्फ ऐसे ही बना दी तलई और काम पैसे निकाल लिए और जो गरीब लोगों उनको पैसा नहीं मिला आज तक। पहले भी आपने शिकायत की थी? हाँ, पहले भी मैंने शिकायत की थी, उसका भी आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। जो हम चाहते हैं कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसकी पूर्ण तरीके से जाँच हो और इन दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आज तक कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी वहाँ पे गांव की समस्या सुनने के लिए नहीं गया है। कहाँ कहाँ आवेदन दिया था आपने? मैंने मतलब जनपद कसरावत में दिया था और SDM महोदय कसरावत में दिया था, जिला पंचायत CO को दिया है और कलेक्टर महोदय को दिया है। 3 बार मैंने यहाँ पर भ्रष्टाचार की शिकायत की। क्या आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला? आज तक मेरी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। गाँव की जनता बहुत परेशान है, बहुत परेशान होने के बाद आगे चल के ऐसा कि वहाँ पर धरना देंगे और धरना दे के ये लोग बिल्कुल कोई को आने नहीं देंगे वहाँ पे। क्या नाम है आपका? बसंत केवट, पूर्व सरपंच सहायता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।